हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका एक ब्लॉग में। तो आज हमारे जो दोस्त हैं ये अम्माद भाई, ये जा रहे हैं अपने घर जा रहे हैं। तो इनकी आज यहाँ पे लास्ट ड्यूटी है, कल संडे में इनकी फ़्लाइट है। और ये बैठे हैं पवन भाई, और इनको अभी रिप्लेस किया है टेम्परेरी तौर में हमारे दानी भाई है। तो ये यहाँ पे संभालेंगे चीज़ों को, और बैक एंड में हमको भी आना पड़ेगा वीडियो बनाने के लिए। हमको रोज़ आना पड़ेगा अम्माद भाई? जी भाई, आपको रोज़ आना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी नया है तो हेल्प के लिए बनने चाहिए। तो वो छोटा बच्चा थोड़ी है, दुबई आ रहा है पासपोर्ट बनवा के। नहीं, काम भी तो नया है ना। तो खैर दोस्तों, अभी हम लोग का प्लान ऐसा हो रहा है कि अम्माद भाई क्या क्या खरीद लिया पहले बताओ। अभी जो मैंने तो मोबाइल लेने थे वो ले लिए हैं। अच्छा, इसके अलावा वॉचेस वगैरह ले लिए, छोटे मोटे गिफ्ट्स ले लिए, कुछ सामान को रखा हुआ है। कहाँ पे थोड़ा दिखाओ, ये सामान लिया ना आपने? हाँ। दिखा दूं? हाँ। तो आपने ये एयरपॉड्स वगैरह लिए? हाँ। कितने कितने के पड़े? वॉच कितने की पड़ी? वॉच ओके। तो मेरा ब्लॉग कौन सा वहाँ तक पहुँचेगा? चेक करो भाई, गिफ्ट चेक करो। हाँ, खर्चे। और ये क्या, कीबोर्ड चेक करो गाइस। बाकी मैं खोलता नहीं क्योंकि जो सरप्राइज है वो खराब हो जाएगा, ब्लॉग में पहले डाल दूंगा। टिकट कितनी पड़ी पाकिस्तान की? 1150 दिरहम। 1150 दिरहम आने जाने की ना, खास जा रहे हैं, ईद में जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं अम्माद भाई के रूम में, थोड़ा सा ये फ्रेश फ्रेश होंगे, उसके बाद थोड़ा मार्केट निकलेंगे। और आज अम्माद भाई ने बोला कि यार आज लास्ट दिन है, मतलब दुबई में नहीं, वापस तो आएंगे बट चलो मिल लेते हैं। जब दुकान बंद करते हो ना 3 से 5, तो हर कोई करता है कि सिर्फ आप ही करते हो? फुली मार्केट, फुली मार्केट, ये सब तो खुले हुए हैं। एक आध दुकान खुली है, अभी आगे जाके आपको दिखाते हैं सब कुछ। पर ये है कि अम्माद भाई की शॉप में, अम्माद भाई क्या है ना, अकेले काम करते हैं तो 2 घंटे रेस्ट मिलता है। बाकी जो और भी स्टाफ होते हैं तो उनको भी 2-2 घंटे का रेस्ट मिलता है ना। लेकिन जो रिटेलर्स हैं सिर्फ वो दुकान खोलते हैं, बाकी होलसेलर आपको देखेंगे, सब कुछ सब बंद है। हाँ, ये सब बंद है अधिकतर। तो अभी चल रहे हैं सीधा रूम, देखो गर्मी चेक करो भाई, मैं आपको गर्मी दिखाऊँ। गर्मी इतनी है ना भाई, हम लोग छाँव छाँव ढूंढते हुए निकल रहे हैं कि भैया छाँव कहाँ मिलेगी। देख रहे, भयंकर गर्मी पड़ रही है यार। और अभी आपको बताऊँ यहाँ पे ना क्या होता है, जो वर्कर्स लोग बाहर काम करते हैं ना, अभी 15 जून से रूल आ जाएगा कि दिन के टाइम में ना वो लोग काम नहीं कर सकते धूप में। तो ये रूल आता है मोस्टली जो गल्फ कंट्रीज में ना, जो मिड डे समर करके ऐसे कोई रूल है तो वो आ जाएगा। उसमें क्या होगा कि भाई धूप में काम करने से लोग बच जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रूल है। शायद दिन के 12 बजे से दिन के 3 या 4 बजे तक ये रूल रहता है, आप चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना भाई, ये पूरा होल सेल का एरिया है यहाँ पे, हमारे पूरा होल सेल का एरिया ना है। पर कितने मतलब कितने पीस हमको लेने पड़ेंगे इसमें? इनका जो क्वांटिटी का, जैसे ये एक्सेसरीज की शॉप है, हाँ हाँ, तो इसमें 10 पीस 20 पीस भी ये लोग आपको जो है वो मुंह भी नहीं लगाएंगे। तो ये 100-100 पीस देंगे। अच्छा, क्वांटिटी में, क्योंकि इन लोग से जो है वो बायर्स लेके जाते हैं। अच्छा, फिर वो आगे जाके अपनी छोटी मोटी शॉप वगैरह की, जो रिटेल वाले बंदे हैं, अच्छा, वो लोग फिर आगे जो है वो सेल करते हैं। चेक करो यहाँ पे, देख रहे हैं कवर वगैरह, तो मतलब क्वांटिटी आप चेक कर लो। और जहाँ अभी हम चल रहे हैं ना, ये नेफ का एरिया है और फ्रीज मुराद बोलते हैं यहाँ पे ना, आपको भाई बहुत ज़्यादा मोबाइल का, ये बोल सकते हैं मोबाइल का, ऐसा समझ लो कि पूरी दुनिया का सामान मिल जाएगा। है ना, जैसे अपने वहाँ दिल्ली में क्या नाम बचा गया, मैं नाम याद, हाँ, सदर बाज़ार सेम वही सिस्टम है यहाँ पे, लाइन से। और यहाँ पे जो रूम वगैरह है अम्माद भाई का, आपको रूम तो मैंने कई बार दिखाया, तो रूम वगैरह सस्ते हैं। अच्छा 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 चेक करो। सो दोस्तों, अभी हम लोग खाने लगे हैं दिन का खाना, ये बिरयानी है, चिकन बिरयानी खाने लगे दोनों। नहीं बाबा, मटन। अबे चिकन तो है ये, देखना। अबे ये चिकन है, ये राइस मटन है। सो गाइस, अभी गर्मी बहुत है तो अभी हम लोग पी रहे हैं भाई ये नींबू पानी, आप देख लो भाई 2 दिरहम का। गर्मी से मेरी हालत देख लो भाई, अभी शाम के लगभग 7 बज चुके हैं, तो थोड़ा सा डिहाइड्रेशन कवर करने के लिए नींबू पानी। तो चलो अम्माद भाई, हैव अ नाइस जर्नी, फिर होते हैं, मिलते हैं, ठीक है ना? तो कुछ लेके आओगे पाकिस्तान से? हम तो व्लॉग शूट कर लिया है ना, है कि नानी भाई? ये देखो भाई, सब मुंह लटका के बैठे हैं कि यार कुछ तो मिल जाए खाने के लिए। ये देखो भाई, तो चलो अम्माद भाई, कल आराम से जाना, हैव अ नाइस जर्नी। कल मैच भी है इंडिया पाकिस्तान का, चले फिर। चलो ठीक है, ओके ओके, बाय बाय, हम तो मिलते हैं, आएंगे दुकान। बताइए कुछ, कल संडे, कल देखता हूँ बताता हूँ, है ना? तो गाइस, आज का दिन भी नॉर्मल जैसे और दिन होता है वैसे क्या, और खास कर हम वहाँ पे जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ता 10 दिन ईद के लिए जा रहे हैं। तो हमने कहा चलो यार मिल लेते हैं, क्योंकि साथ में काम करते हैं, वीडियो शीडियो बनाते हैं। तो पवन अभी लगभग 12 बज चुके हैं ना, तो अभी पकड़ते हैं भैया, अभी क्या होगा, हमें को लेने आ रहे हैं दानी भाई को जानने वाला है, वो हमको लेने आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे 3-3 दिन 6 दिन बच जाएंगे, देखो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी फाइनली आ चुके हैं रूम पे, और अभी रात के लगभग बज गए 12:30। तो पवन, खाना खाने की नहीं खाना है?
हाँ खाएंगे तो फिर खाएंगे तो बनाएंगे बनाएंगे तो खाएंगे तो क्या बनाना है? पुलाव बनाते हैं, जल्दी बन जाएगा। चलो फिर पवन ने आगे की सिखाई भाई शॉर्टकट वाली पुलाव पुलाव रो पुलाव फटाफट बन जाता है। बाहर खाने का मन नहीं था, मैंने कहा घर पे खाएंगे आराम से। तो फिर करें फटाफट से स्टार्ट। तो एक काम कर, चावल और दाल वगैरह धो ले, मैं अब तक प्याज व्याज काट देता हूँ, ठीक है? सो दोस्तों अभी लगा दिया है तेल, प्याज कट गए हैं, पवन ने इधर धोना स्टार्ट कर दिया है। और अच्छा अपने रूम की खास बात क्या बताता हूँ, रात के लगभग अभी 1 बजेंगे तो कुकर में सीटी लगेगी ना, कोई कुछ नहीं कहता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ये दरवाज़ा वगैरह क्लोज कर देते हैं ताकि ना और डिस्टर्ब ना हो। अपने रूममेट्स बहुत अच्छे हैं, एक अच्छा रूममेट एक अच्छे रूम पार्टनर मिलना बहुत अच्छा है कि जो मतलब आपको ना बाद में चिक चिक ना करे। इधर मैं कहीं रूम में रहा हूँ भाई, वहाँ पे क्या होता था मैं आपको बताऊँ भाई, बहुत दिक्कत रूम में, ऐसे दरवाज़ा क्यों खोल रहा है, ये क्यों कर रहा है। जो लोग मेरे दुबई में या यूए में या गल्फ कंट्री में कहीं रहते हैं ना शेयरिंग रूम में या बेड स्पेस में, उनको पता होगा कि कई लोगों ने भाई एक छोटा सा कमरा लेके ना ऐसे मकान मालिक बनते हैं कि भैया उन्होंने पूरी बिल्डिंग खरीदी होगी, ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। और चलो भैया अभी तेल भी गर्म होने लगा है तो इसमें डालते हैं अभी हम लोग अपने सीक्रेट मसाले जो कि भैया हमारा जीरा। इमरान भाई काटे जा रहे हो कुछ ना कुछ, क्या क्या डाल रहे हो तुम पुलाव में भाई? ये आज बन रहे स्पेशल पुलाव एकदम। क्या क्या है इसमें? पहले तो सॉरी भाई, ये कोई फूड ब्लॉग नहीं है, तो मेरे को ना अच्छा लगा कि दिन भर की मेहनत करके हम आपको दिखाएं कि हम क्या बना रहे हैं। पवन की फरमाइश में पुलाव, तो प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्च सब डालने के बाद हमने इसमें डाला भैया आलू और शिमला मिर्च, क्योंकि भाई जब लास्ट टाइम मैंने पुलाव बनाया था ना, मैंने गलती से शिमला मिर्च डाला था और बहुत टेस्टी बना था, तो मैंने कहा कि चलो यार आज भी ट्राई करा जाए। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, मसाला बना रहे हैं, फिर तूने इसको धो दिया था, ये इसमें डालेंगे, 3-4 सीटी में अपना काम खलास, बन के तैयार। तो शिमला मिर्च वाला मुझे लास्ट टाइम मजा आया था, और पता नहीं वो तुक्के से बना था या क्या हुआ था, आज ट्राई करते हैं फिर से बना के। ये देख लो भाई, देख रहे हैं, बाहर खाते तो ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा भाई, बाहर भी खाना सस्ता ही है हमारे शारजा में अंदाजा में, बस सोचा घर पे ही खाएंगे भाई, घर की दाल रोटी नहीं, घर की दाल नहीं, घर के पुलाव। ओ माय गॉड। तो दोस्तों यहाँ पे बन रहा है खाना, और लगे हाथ मैंने सोचा कि भैया ये सस्ते से सर्फ से अपने अच्छे वाले कपड़े धो लिया जाए, क्योंकि भैया हमारा रूम हमने एकदम फैसिलिटी वाला लिया है। तो ये भैया वॉशिंग मशीन लगा देते हैं इसको सेट, ये आधे घंटे में हमारे कपड़े एकदम चमका के हमको हो गया दे देगी। तो भैया ये फैसिलिटी है, इधर हमारे खाना बनेगा, इधर हमारा कपड़ा धुलेगा। और तू क्या बोल रहा है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तू भैया के? बहुत मेहनत करता हूँ भाई, कच्छा भी हाथ से नहीं धोता है, मशीन में धोता है सब, ये इसकी मेहरबानी। लाइव देखो भाई दुबई की, किचन में भी ऐसी है। तो अभी फाइनली अपने चावल बनके तैयार हो गए हैं। चावल नहीं बाबा, पुलाव। बस शर्त ये कि यार ये घुल जाए, असल में ये इस वाले कुकर का खुलता नहीं भाई, ये हमारा आधा टाइम ना ये कुकर ही खाता है, पानी डालना पड़ेगा भाई इसमें, मेहनत करो। चलो दिखाते हैं कितनी देर में खुलता है ये, आपको दिखाते हैं ब्लॉग में बने रहना भाई, ये कुकर हमारी बहुत मेहनत करता है। अभी इसको पानी डाल के ठंडा करते हैं। चलो भाई सीटी तो मैंने खोल दी, देख रहे भाई कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। ओ माय गॉड, स्ट्रगल है नहीं, कुकर में बनता अच्छा है, बट ये ना अब खोलो, अब खुलेगा, खुल जाए यार, एक बार तो क्या होगा 10 मिनट तो खुला ही नहीं। ये चेक करो भाई, चेक करो, देख रहे हो भाई सही पका एकदम। तो गाइस अभी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है देखने में, ठीक है ना? शिमला मिर्च वगैरह सब गल चुकी है और इसको अभी हम खाएंगे फिर हम सो जाएंगे। दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग था, अम्मा भाई को भी कर दिया अलविदा, हम भी खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे, कल संडे है आराम से उठने वाले हैं। तो मिलते हैं बहुत अगले ब्लॉग में, आई डिल एंड टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।